डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की बहुचर्चित फिल्म पद्मावती के ट्रेलर ने सोशल साइट्स पर और मीडिया में हंगामा मचा रखा है। यूं तो फिल्म के सभी किरदारों की बढ़ चढ़कर चर्चा हो रही है, फिर चाहे रानी पद्मावती का रोल कर रही दीपिका पादुकोण हो या फिर रावल रतन सिंह के किरदार में शाहिद कपूर हो, पर इन सबके बीच एक नाम जो सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहा है वो है रणवीर सिंह। इसके दो बड़े कारण हैं, पहला तो ये कि वो विलन की भूमिका में है और दूसरा ये कि विलन कोई और नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी है। आपने अलाउद्दीन खिलजी का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन वो कौन था, कहाँ रहता था और सबसे अहम कि उसे विलेन क्यों कहा जाता है, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा और सबसे शक्तिशाली शासक था। 1296 ईस्वी के आसपास वो अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिल्ली सल्तनत की सत्ता पर काबिज हुआ था। गद्दी पर बैठते ही उसने विस्तारवादी नीति अपनाई और दूसरे राज्यों पर हमला करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि अलाउद्दीन के बाद कोई भी मुसलमान शासक उसके बराबर साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया था। वो पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत के राजाओं तक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। जंग में जीतना तो जैसे उसका जुनून बन गया था, इसके लिए लोगों की हत्या करने तक से उसके हाथ कभी नहीं कांपे। दक्षिण के राजाओं पर विजय पाने में उसके दो वफादार जनरल मलिक काफूर और खुशरफ खान का बहुत बड़ा हाथ था। दोनों की सहायता से पहले उसने उत्तर भारत के क्षेत्र में विजय पाई और बाद में दक्षिणी क्षेत्र में अपना आतंक फैलाया। उसने दक्षिणी राज्यों को लूटने के साथ साथ सालाना कर वसूलना शुरू कर दिया। वो दुनिया के बेशकीमती हीरे कोहिनूर को भी हथियाने में कामयाब रहा। कहते हैं कि अलाउद्दीन को बचपन में अच्छी तालीम नहीं मिली थी, बावजूद इसके वो अपने समय का एक शक्तिशाली शासक बनकर उभरा। उसे खुद पर इतना गुमान था कि वो खुद को दूसरा सिकंदर कहता था। बाद में वो सिकंदर सानी के नाम से भी मशहूर हुआ। एक समय था जब खानाबदोश कबीले वाले मंगोल सेना का खौफ पूरे विश्व में था। उनका नाम सुनने भर से ही बड़े बड़े शासक सहम जाते थे। कहते हैं कि वो जहाँ से गुजरते थे लाशें बिछा देते थे। कई सारे शासकों ने उनका सामना करने की कोशिश की लेकिन टिक नहीं पाए। इसी कड़ी में अलाउद्दीन खिलजी ने भी मंगोलों से दो दो हाथ करने का मन बनाया। उसने उन पर चढ़ाई कर दी। इसका परिणाम ये रहा कि वो मंगोलों को जालंधर, कीली, अमरोहा और रावी इन सभी लड़ाइयों में पराजित करने में सफल रहा। उसने मंगोलों पर कुछ इस तरह अपना कहर बरपाया कि मंगोलों ने डरकर इस्लाम कबूल कर लिया था। यहाँ तक कि वो खिलजी साम्राज्य के आसपास ही बस गए थे। मंगोलों का ये रवैया खिलजी को रास नहीं आया। उसे उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो जानता था कि मंगोल उसे धोखा दे सकते हैं। असल में मंगोल इस तरह की रणनीति में बहुत माहिर थे। अंततः उसने फैसला किया कि वो किसी भी मंगोल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी कड़ी में उसने लगभग 30,000 मंगोलों को मौत के घाट उतार दिया और उनके परिवारों को अपना गुलाम बना लिया। इसी तरह दक्षिण भारत के वारंगल के काकतीय साम्राज्य की तरफ भी कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था। अलाउद्दीन को जब ये बात पता चली तो उसने 1303 ईस्वी में काकतीय सेना पर हमला कर उसे हराते हुए इतिहास रच दिया। तथ्यों की माने तो अलाउद्दीन खिलजी और उसके गुलाम मलिक काफूर के बीच शारीरिक संबंध थे। कहा जाता है कि एक युद्ध के बाद अलाउद्दीन खिलजी मानसिक रूप से बीमार हो गया था। इसी दौरान काफूर ने उसकी खूब देखरेख की। क्योंकि काफूर के साथ उसका काफ़ी वक्त गुजरने लगा था, इसीलिए वो उससे प्यार कर बैठा। इसमें कब उसने अपनी हदें पार कर ली उसे खुद पता नहीं चल पाया। बाद में वो काफूर का आदी हो गया था। उसके संबंध काफूर के साथ कुछ इस तरह हो गए थे कि उसने अपनी सत्ता की बागडोर तक उसके हाथों में दे दी। हालांकि इसको लेकर लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थॉट्स इन इंडिया में दोनों की प्रेम कहानी का साफ तौर पर जिक्र मिलता है। इसके अलावा मशहूर किताब तारीख़ फिरोजशाही में भी इसका खुलासा किया गया है। खिलजी का पुरुष प्रेम ही उसके अंत का कारण बना। मलिक काफूर, जिसके साथ कथित तौर पर अलाउद्दीन खिलजी के नाजायज संबंध थे, उसने ही खिलजी को जहर देकर मार दिया। असल में मलिक काफूर की नीयत बिगड़ गई थी। वह अलाउद्दीन की सत्ता हथियाने के सपने देखने लगा था। खिलजी को भले ही दिल्ली के मजबूत शासकों में गिना जाता हो, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि वो खूनी, लुटेरा, क्रूर और समलैंगिक व्यक्ति था। शायद इसीलिए लोग उसे इतिहास के पन्नों में दर्ज एक कुख्यात विलन कहने से भी नहीं कतराते। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट करें। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।